लाल का जय बा, छोटे भैया का जय जयकार बा। जी हाँ, तेजस्वी भैया का जय जयकार बा, ये नारे लग रहे हैं बिहार में। बिहार की जनता लगा रही है, बिहार की जनता कह रही है कि तेजस्वी भैया उनके लिए काम करेंगे। जो ऐलान किया गया है रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वो तमाम ऐलान उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी और बेहतर तरीके से काम होगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने ऐलान तो कर दिया है, बिहार में नई सरकार भी बन गई है, तेजस्वी जो सपना देख रहे थे वो पूरा भी खैर हो गया, उप मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि सपना मुख्यमंत्री बनने का था, लेकिन नीतीश ने कहा कि बबुआ अभी तुम छोटे हो, अभी उतना तजुर्बा नहीं है, थोड़ा सा सीखिए, देखिए कैसे संभाला जाता है, कैसे कुछ होता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने ऐसे ही नहीं इतनी उम्र बिताई है, ऐसे ही नहीं उनके बाल सफेद हुए हैं, उम्र ऐसे अगर इतनी हुई है तजुर्बे के हिसाब से, उन्होंने जिस तरह से अभी तक बिहार में अपना दबदबा बनाया उस हिसाब से, तो तेजस्वी ने भी कहा कि ठीक है, हम सीखेंगे आपसे और धीरे धीरे आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर तेज प्रताप यादव एक अलग ही नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ट्वीट चल रहे हैं। ये ट्वीट वो है जिसमें तेज प्रताप यादव ने सबसे पहले तो बहुत बड़ा धन्यवाद बिहार की जनता को दिया है, तेजस्वी को दिया है, नीतीश कुमार को दिया है, और तो और ये तक देखा जा रहा है कि जिस तरह से मौजूदा समय के हालात और स्थिति बनी है वो ये है कि तेज प्रताप यादव ऊपरी तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से वो चाह रहे हैं, एक छटपटाहट है उनके अंदर, एक उलझन है कि सवाल ये उनके मन में है कि क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, सीएम डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन बिहार में अब जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और वो ऐसा मंत्री पद चाहते हैं जो जिसका मतलब राजस्व बेहतर हो, जिसका टैक्स अच्छा आता हो, तो बड़ा पद चाहिए होगा, या तो गृह मंत्रालय जैसा पद चाहिए, या फिर और ऐसा मंत्रालय चाहिए। लेकिन क्या नीतीश कुमार सहमत होंगे, क्या तेजस्वी यादव सहमत होंगे? देखिए, तेज प्रताप को राजनीति की उतनी समझ नहीं है जितनी तेजस्वी यादव को है। तेजस्वी यादव ने चीजों को जिस तरह से बनाया है, किया है, उतना तेज प्रताप यादव में नहीं है, इसलिए शायद तेज प्रताप यादव को उतनी बड़ी जिम्मेदारी ना दी जाए जैसा कि वो सोच रहे हैं। और अगर बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो क्या तेजस्वी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तेज प्रताप यादव? क्या तेज प्रताप यादव जो है वो तेजस्वी के साथ जो है उनकी अनबन होती नजर आएगी? क्या लालू परिवार में दो फाड़ हो जाएगी इसी सत्ता को लेकर? ये बहुत बड़े सवाल हैं। अगर बहुत सारे दर्शक हमें मुझे सुन भी रहेंगे तो वो अपनी बात लिख सकते हैं, क्या सत्ता के लिए दो भाई आपस में लड़ सकते हैं? क्योंकि तेज प्रताप को इतना एक्सपीरियंस नहीं है राजनीति का, तो बड़ा मंत्रालय उन्हें नहीं दिया जाएगा, जाहिर सी बात है सोच समझ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या तेज प्रताप यादव अगर नाराज होते हैं तो क्या इसका नुकसान बिहार में उठाना पड़ेगा इस नई सरकार को? क्या इसकी वजह से लालू परिवार भी टूट जाएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।